अगर मैं एक फुल ग्रोन एक अम्ब्रेला का काटूंगी, देखिए कैसे खेल रहा है, देखिए। सो वेलकम बैक गाइस। दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला और सबसे प्यार किए जाने वाला कोई जो एग्जॉटिक बर्ड होता है वो होता है काकाटू। मगर काकाटूज के अंदर भी एक ऐसी एक स्पीसीज है जिसपे मुझे बहुत सारे मैसेजेस और डीएम्स मिले थे कि इनके ऊपर एक वीडियो बनाइए। वो कौन सा बर्ड है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वो बर्ड है एक अम्ब्रेला काकाटू। मेरा नाम है शेख तनवीर और मैं आज आपको अम्ब्रेला काकाटू की डाइट, पर्सनैलिटी और क्या ये फर्स्ट टाइमर के लिए सही होते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अम्ब्रेला काकाटू वैसे तो बहुत ज्यादा लोगों को लुभाता है, लोगों को लर करता है कि यार ये बर्ड मेरे पास होना चाहिए। मगर मैं आपको आज चार ऐसे पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ जिसकी वजह से आप एक बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। वो चार पॉइंट्स क्या है? नंबर वन, इनका बैकग्राउंड, मतलब इनका हैबिटेट क्या होता है, इनकी साइज क्या होती है और इनका वेट क्या होता है। नंबर टू, इनकी डाइट। नंबर थ्री, इनकी पर्सनैलिटी। और नंबर चार, क्या ये फर्स्ट टाइमर के लिए सही है या नहीं। नंबर वन, बैकग्राउंड। इनके बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स में काफ़ी पाए जाते हैं और ये लो लैंड या जंगल के लोअर पार्ट में रहने वाले ज़्यादा बर्ड्स होते हैं, जहाँ पर ये सीड्स, नट्स, बेरीज और बहुत सारे लार्वाज या इंसेक्ट्स खाते हैं। इन्हें ग्रीक भाषा में काकाटुआ अल्बा भी कहा जाता है। इनकी साइज, मतलब इनके लाइफ टाइम में ये 18 इंच तक लंबे हो सकते हैं, करीबन 1.5 फीट है। रही बात करें इनकी वेट की, तो ये 500 से लेके 600 ग्राम तक का वेट अचीव कर लेते हैं जब ये पूरे फुल ग्रोन हो जाते हैं। अगर आप गौर से इनके क्रेस्ट को देखेंगे, ये तो अभी फिलहाल बच्चा है। अगर मैं एक फुल ग्रोन खेलते हुए अम्ब्रेला काकाटू का क्रेस्ट देखूंगा तो इन्हें अम्ब्रेला क्यों कहा जाता है? इनका सेमी सर्कुलर शेप ऑफ क्रेस्ट की वजह से इन्हें अम्ब्रेला काकाटू कहा जाता है। वैसे इनका कॉमनली जो नाम होता है वो होता है वाइट काकाटू, मगर इसके अंदर हल्का सा येलोइश एंज का टिंट आता है। कहाँ आता है? अगर मैं इसके अंडरविंग्स खोलूँ तो आप देख सकते हैं, कैमरा पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है मुझे आई डोंट नो, ये हल्का सा ऑरेंजिश और क्रीम कलर का इसका लेमन टिंट आता है, ना सिर्फ यहाँ उसी तरीके से इनके अंडर टेल्स में। एक बार मैं आपको दूसरे विंग्स का भी मैं खोल के दिखा देता हूँ। तो ये इनका एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है। होते हैं पूरे वाइट, सेमी सर्कुलर शेप का क्रस्ट बट वाइट, और अंडर विंग्स और टेल में इनके लेमन या क्रीम कलर की टिंट आती है। ये इनका एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है। रही बात इनके डाइट की, तो ये बर्ड देखिए काकाटू की कोई भी प्रजाति अगर आप देखा जाएंगे ना, तो दे डोंट लाइक टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मगर बचपन में, अभी फिलहाल जैसे ये बच्चा इज अ 4 मंथ्स ओल्ड, डीएनए करवाया हुआ है, डीएनए सर्टिफाइड मेल है, मगर ये बचपन में तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, मगर आगे जाके इनकी जितनी भी डिपेंडेंसी होती है या इनकी जो ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ होती है वो सीड्स, नट्स एंड पैलेट्स ही होती है। तो इनकी जो डाइट होती है फ्रूट्स वेजिटेबल्स से ज़्यादा, दे लाइक टू ईट सीड्स, नट्स एंड पैलेट्स। अगर आप, मैं यही बात जंगल की करूँ तो जंगल में ये इंसेक्ट्स और लार्वा तक भी खाते हैं। तो जंगल की बात अलग है, कैप्टिव ब्रीड की मैं जो बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन कैप्टिव ब्रीड की है। अब मैं बात करना चाहूँगा पर्सनैलिटी की, क्योंकि एक बर्ड की पर्सनैलिटी ही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है बर्ड हॉबिस्ट को एक नया बर्ड लाने की। देखिए मैंने अपने बहुत सारे वीडियो बनाए, मैं आपको शायद स्क्रीन पे आपको थंबनेल बता दूंगा जो मेरे प्लेलिस्ट में होंगे, जिसमें मोलोकन काकाटू, सल्फर काकाटू और दूसरी प्रजाति होगी, मगर स्पेसिफिकली अम्ब्रेला काकाटू की जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है बहुत वाइब्रेंट। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इनको वेलक्रो बर्ड्स बोला जाता है। वेलक्रो का मतलब आपने अपने शूज़ पे वो जो चिपक के निकलता है वेलक्रो, इसको वेलक्रो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बर्ड बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं अपनी ह्यूमन कंपेनियन के साथ। तो लोगों को बहुत आश्चर्य, बहुत ही ज़्यादा हैरत होती है कि यार एक बर्ड मकाऊ, अमेजोन इतना ज़्यादा कडल नहीं करते जितना ये कडल करते हैं। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट काकाटू एंड अम्ब्रेला। इनको कडल करना, स्क्रैच करना, मस्ती करना, उल्टा होना, ये सब करना इनको बड़ा पसंद है। ये देखिए, देखिए देखिए कैसे खेल रहा है, देखिए सिंगल हाथ पे लटक के खेल रहा है।
तो इनको वेलक्रो बोला जाता है और यही इनकी सबसे बड़ी जो एडवांटेज है, यही एक डिसएडवांटेज भी बन जाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे क्यों? फॉर एग्जाम्पल, ये बर्ड आपसे अटैच हो गया, इनकेस आप एक हफ्ते दो हफ्ते के लिए बाहर गए, सो ही विल गो क्रेजी अबाउट यू। इसीलिए इनको एक सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ सोशल रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये किसी एक इंसान या एक ह्यूमन के साथ ज़्यादा वो क्लोज या एसोसिएट नहीं हो जाए। मगर ये डांस करना इनको बड़ा पसंद है। मैं आई विल मेक श्योर कि एक मैं वीडियो आपको दिखा दूँ। टॉकिंग, जब इनकी एबिलिटी की बात करें, इनके वोकल कॉर्ड्स मॉडरेटली गुड होते हैं टॉकिंग करने के लिए। अभी ये बर्ड थोड़ा शांत है, मगर ये चार महीने में ये भी आवाज़ें डांस करने से स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको एक वीडियो स्क्रीन पे दिखा दूंगा, विच माइट बी हेल्पफुल फॉर यू, कि ये बर्ड किस तरीके से जब अपने पूरी पर्सनैलिटी में होते हैं तो किस तरीके से बिहेव करते हैं। अब मैं आपको सबसे ज़्यादा जो बर्निंग पॉइंट और जो बर्निंग क्वेश्चन है, क्या ये एक फर्स्ट टाइमर के लिए सही होते हैं? वैसे मैंने आपको शायद इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ही इज स्नोई। ये चार महीने का एक हेल्दी चिक है, बहुत मस्ती करता है अकेले भी। ये बहुत, इसको अगर जैसे मेरे पास जो मकाऊज है दूसरे काकाटूज है उनको देखता है तो ये पागलों के जैसा खेलता है, मस्ती करता है। और यही रीज़न की वजह से आप सबसे पहले अम्ब्रेला या काकाटू की तरफ आकर्षित होते हैं या आप इम्प्रेस्ड होते हैं। मगर रही बात फर्स्ट टाइमर्स के लिए, सो देखिए मेरा जो फ्रैंक ओपिनियन है, दे आर वेरी इजी टू मेंटेन। ये जो बर्ड होते हैं ना, ये बर्ड बहुत ज़्यादा इजीली हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, खाना पीना ये करना। अगर आपके पास एक फैमिली है, कंप्लीट फैमिली जिसमें बच्चे हैं, लेडी है, जेंट्स हैं, अच्छी खासी फैमिली है, तो दीज बर्ड्स आर एब्सोल्युटली गुड फॉर यू। अगर आप उसको टाइम दे सकते हैं, और न सिर्फ पर्सनल टाइम, आप इनको केज के अंदर या केज के बाहर ट्वाइस दे सकते हैं, तो ये बर्ड्स आर लवली कंपेनियन। बट आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप अम्ब्रेला या कोई भी काकाटू ले रहे हैं तो आप इनको कंप्लीट फैमिली के साथ सोशल करवाइए, ना सिर्फ सिंगल ओनर के साथ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो काकाटू लेते हैं तो एक ही बंदा उसको हैंडल कर रहा है और उसी से उसका जो बॉन्ड हो जाता है, इसीलिए इनको वेलक्रो बर्ड्स बोला जाता है। तो आपको सिर्फ ये काम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, कंप्लीट लोगों से सोशल कराइए। दीज आर दी वंडरफुल क्रिएचर्स। मैंने जितनी भी बातें पॉजिटिव या निगेटिव बताई है, उसके पीछे रीज़न ये है, आपकी एक्सपेक्टेशन और आपकी रियलिटी में अगर डिफरेंस आता है तो वो चीज़ लीड करती है, वो चीज़ आती है फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो आपकी फ्रस्ट्रेशन की वजह से बर्ड को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप अपना कुछ देख लो, वो चलेगा, पर बर्ड को नुकसान नहीं होना चाहिए। सो ये मेरा एनालिसिस है, एक अम्ब्रेला काकाटू एज अ फर्स्ट टाइमर के लिए अच्छे हैं या नहीं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको स्नोई कैसा लगा? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हो गया, और अगर आप नए आए हुए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज देर आर टन्स ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन एग्जॉटिक बर्ड्स। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, जिसके वजह से मुझे डीडी नेशनल में बुलाया गया था। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। जब तक, से गुड बाय टू स्नोई।